हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। इसमें आपको यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब एक्चुअली में वन होता है, मींस आपको या तो वन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है या फिर वन की वैल्यू गिवन है उससे आपको ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रमेश सेव्स 48,000 इन 8 मंथ्स। रमेश 8 मंथ में 48,000 रुपीज़ सेव करता है, हाउ मच मनी डज ही सेव इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितना सेव करता है रमेश सेव इन 8 मंथ। 8 मंथ इक्वल्स टू 48,000 रुपीज़, इतने सेव करता है। एंड नाउ रमेश सेव इन 1 मंथ, 1 मंथ इक्वल्स टू 48,000 डिवाइडेड बाय 8। ओके, इस 8 का डिवाइड इधर आके हो जाएगा 8 6 जा यानी 6,000 रुपीज़ सेव करेगा 1 मंथ में, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे ही है। 5 डजन बनाना कॉस्ट ₹265, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, यानी एक दर्जन बनाने की कॉस्ट क्या होगी। लेट हमें गिवन है 5, कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना, ऐसे लिख दो कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना इक्वल्स टू 5 डजन बनाने की कॉस्ट है ₹265 एंड कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल्स टू 265/5। 5 से डिवाइड देंगे तो 5 × 25, 5 × 3 15, 53 रुपीज़। ओके, तो यही फाइंड आउट करना था 1 डजन बनाने की कॉस्ट। एक बार फिर से समझ लो, जिन बच्चों ने दिखाई दिया है, कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना इक्वल्स टू इतना, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना 5 का इधर आके डिवाइड दे दो, 53 रुपीज़, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 82,440 टॉयज इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो हाउ मेनी टॉयज विल बी प्रोड्यूस इन 7 डेज, 7 डेज में कितने टॉयज प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले यूनिटी मेथड में क्या करते हैं, वन डे का निकाल लेते हैं, उसके बाद 7 डे का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। टॉयज मैं लिख रहा हूँ, टॉयज प्रोड्यूस इन 30 डेज, 30 डेज इक्वल्स टू 82,440, कितने रुपीज़ हो जाएंगे। अब टॉयज प्रोड्यूस इन 1 डे, 1 डे का निकालेंगे तो 82,440 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, नाउ 3 से डिवाइड दे दो, 3 × 2 = 6, कितना बचा 2, 3 × 7 = 21, 1 आ गया, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 24, इतने रुपीज़ हो जाएंगे, इतने रुपीज़ 2,748। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट टॉयज प्रोड्यूस इन 7 डेज, 7 डेज में। तो 2,748 मल्टीप्लाई 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 8 = 56, 5 × 3 = 7, 4 × 2 = 28 एंड 5 × 3 = 33, 3 × 7 = 49, 3 × 52, 5 × 7 = 14, 5 × 19, इतने टॉयज प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नंबर ऑफ टॉयज है, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, टॉयज 7 डेज के अंदर इतने टॉयज हो जाएंगे 19,236 टॉयज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रक कैन कैरी 4,550 ब्रिक्स, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग 25 सच ट्रक्स। तो ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरी इन 1 ट्रक
इक्वल टू 4550 इतने ब्रिक्स और नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरी इन 25 सच ट्रक ये जैसे 25 ट्रक्स में कितने चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 4550 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4550 या 25 मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसी के साथ नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी शो कर सकते हो आप 5 0 5 5 25 5 2 carry 5 4 25 2 27 2 carry 5 4 20 and 22 मल्टीप्लाई का साइन 0 हो गया, 2 5 10 0 1 carry 2 5 10 1 11 1 carry 2 4 8 1 9 नाउ ऐड 0 5 7 3 और यहाँ 11, तो इतने ब्रिक्स हो जाएंगे 11 1 1 3 7 5 0 यानी कि 1,13,750 ट्रक, इतने ट्रक में 25 ट्रक में इतने ब्रिक्स चले जाएंगे, इतने ब्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो आपके क्वेश्चन है इसमें 10, हमने आपको करा दिया 4, तो इसमें से जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो उतने कर लेना, जो बच जाएंगे हम करें।